तो सोनाली, आपने जैसे कहा कि एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सीखना इम्पोर्टेंट होता है, तो क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या सिखाते हैं उसमें, क्या होता है? तो बेसिकली कैसे रहता है, हम सबकी थिंकिंग रहती है, हम जब कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं किसी ड्रामा में या कॉलेज में या स्कूल में करते हैं, तो हमको लगता है कि हम एक्टर बन गए, हम मिस फ्रेशर्स बन जाते, तो हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, मतलब ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो एक्टर बनना बहुत ईजी है। तो ऐसे होता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, लगभग मैंने 300 से 400 ऑडिशन दिए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब स्ट्रगल वो बोलते ना, एक स्टूपिड स्ट्रगल था मेरा। ना मेरा कुछ एजुकेशन था उस बारे में, एक्टिंग के रिगार्डिंग ना कुछ था, और मैं सिर्फ करे ही जा रही थी, इसलिए मेरा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया, मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसका रीजन क्या है। ओके, तो ट्रेनिंग के लिए फिर कौन सी जगह चूज की आपने? सुनील सहगल मीडिया स्टडीज ही क्यों सिलेक्ट की, और क्या क्या होता है यहाँ पे, जरा इसके बारे में आप बताइए। बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तू क्लास, मैंने उसको पूछा था मुझे क्लास ज्वाइन करना है, तो फिर वो बोली बोला मुझे कि कौन सा क्लास ज्वाइन करना है तुझे, किस टाइप का। तो मैंने बोला मुझे एक्टिंग के लिए करना है, मैं तो डांस अच्छे से कर लेती हूँ, बट मुझे एक्टिंग का करना है, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसने मुझे बताया था कि वो सुनील सहगल सर का स्टूडेंट है, तो फिर मेरी सुनील सहगल सर से बात हुई, देन मैंने उसके बाद उनके यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया। उससे भी पहले सर ने मुझे डेमो क्लास दिए, उसमें मुझे कोई चार्जेस नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, जस्ट उन्होंने मुझे डेमो क्लास दिए। मैंने डेमो क्लास अटेंड करने के बाद फिर मुझे अच्छा लगा, देन मैंने ज्वाइन किया। तो आप सुनील सहगल सर के बारे में कुछ बताइए, सर कैसे हैं, क्या करते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट कैसे रन होता है, और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बताइए, अपने कोर्स वेयर के बारे में बताइए। कैसे होता है, अभी मैं पूना से हूँ, मैंने बोला महाराष्ट्रियन हूँ, मैं पूना से हूँ, तो पैंडेमिक की वजह से ना मुझे यहाँ आना पॉसिबल नहीं था मुंबई क्लास के लिए। तो सर ने मुझे एक ऑप्शन दिया ऑनलाइन क्लास का, तो मैंने ऑनलाइन क्लास भी किया ना, तो मुझे ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं लगा कि ऑफलाइन क्लास में कुछ अलग है या ऑनलाइन क्लास में कुछ अलग है। एक सिखाना, वो सिखाते वो टीचर है, ऑब्वियसली वो ऑफलाइन जो सिखा रहे ऑनलाइन भी वही सिखा रहे, तो दिल से अगर हम सीखते हैं ना तो बहुत मजा आता है और जल्दी हम सीख पाते हैं। और मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद अभी मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, सिर्फ क्लास पूरा मेरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों का एक होता है कि उनको मराठी टोन आ जाता है, तो मेरा डिक्शन भी अभी क्लियर होता जा रहा है, इतना भी नहीं हुआ है बट अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मेरा होता जा रहा है। ये एक रीज़न है मेरा कि मेरा हिंदी सीरियल में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। और सर का सिखाने का तरीका कैसे है, सर की सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सर अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, ऐसे सर का कोई ऐसे नहीं है कि एक फेवरेट स्टूडेंट है या ये लड़की है या लड़का है, सर सबको सेम मानते हैं, सब स्टूडेंट एक जैसे, और कोई भी स्टूडेंट उनको कुछ भी पूछे, छोटा सवाल वो क्लियर करवा, मतलब उससे करा लेते। तो मुझे बेस्ट लगता है सर के पास क्लास करना। बिल्कुल। सोनाली, जैसे आपने पहले कहा था कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, और आप जैसे कहा कि सीरियल्स और फिल्मों में काम करना चाहती है, तो वहाँ पे कैमरा यूज होता है, तो आप थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों में अंतर होता है, उनकी प्रोसेस सेम होती है अलग होती है, तो थोड़ा उस बारे में आप बात करिए। मुझे मैंने छोटे छोटे पहले रोल कर चुकी हूँ कैमरा के सामने, बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं थिएटर कंटिन्यू करूँ। मैं अगर कितनी भी बड़ी स्टार हो जाऊँ लेकिन मैं थिएटर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हो ना थिएटर प्ले करने, तो जो एनर्जी आती है ना वो मुझे आज तक कहीं मिली नहीं है। मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कुछ भी हूँ, बट वो स्टेज पे जाने के बाद मैं होती हूँ, मेरे पास कोई नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। सेकेंड, कैमरा का ये होता है, कैमरा का सर वही सिखाते, हम बोलते ना क्लास ज्वाइन क्यों करना होता है। अभी मैंने थोड़ा सा थिएटर किया था तो मुझे लगा मैं एक्टर बन गई, तो मैं गई कैमरे के सामने और मैं वो थिएटर जैसी एक्टिंग करने लगी, तो वो नहीं चलता है कैमरा के सामने। तो यही डिफरेंस सर सिखाते, इसलिए क्लास ज्वाइन करना होता है।
बिल्कुल। और आप इंस्टीट्यूट के एम के बारे में बताइए कि इंस्टीट्यूट में कैसे एक्टर्स बनाना चाहते हैं, उनका फाइन एम क्या है, या जैसे कहते हैं ना कि हम हीरोज बनाएंगे, बड़े बड़े हीरोज बनाएंगे, तो इस सुनील सहगल मीडिया स्टडीज का एक एम क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली एम ऐसा है हमारे क्लास का कि स्टूडेंट को ऐसे ना फेक कमिटमेंट, सर का सबसे पहला मोटिव यही है कि फेक कमिटमेंट नहीं देना। मैंने अदर क्लास में भी इंक्वायरी की, आपको हीरोइन बना देंगे, ये कर देंगे, बट सर का ऐसे नहीं है। सर कभी ऐसे कमिट नहीं करेंगे कि आप हीरो बन जाओगे, हीरोइन बन जाओगे। सर आपको स्टार्टिंग, एक कलाकार जो होता है ना, उसके लिए हीरोइन या कुछ नहीं होता। छोटे छोटे एक तुम रोल भी करते हो ना, कोई छोटा भी रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो आप 100% आपने उसमें देना चाहिए। तो एक एम यही है कि अच्छे एक्टर बने और वो बहुत आगे जाए। और ऐसे नहीं सर आधे में साथ छोड़ देते। सर मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना देखा है, वो आखिरी तक साथ निभाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। तो क्या आप सुनील सहगल मीडिया स्टडीज अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सर्कल्स में आप सजेस्ट करेंगी लोगों को कि आप यहाँ के सीखें, और क्यों आना चाहिए उन्होंने यहाँ पे? 100% मैं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैं 7-8 साल इंडस्ट्री में मैंने वेस्ट किए हैं, इधर ऑडिशन उधर ऑडिशन, वड़ा पाव खाना, ये खाना, इधर ऑडिशन जाना, बट नहीं हुआ मेरे से। तो यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि मेरे से क्यों नहीं हुआ। मुझ में बहुत सारी कमी थी, मुझे नहीं नहीं आइडिया थी कि थिएटर क्या है और कैमरा क्या है। बोलने से कुछ नहीं होता है जब तक, अभी देखो ना, अभी लड़कियों के बारे में मैं बोलती हूँ कि खाना बनाने जाओ ना, तो उसमें बराबर तेल, मीट, नमक, ये सब अच्छे से होना चाहिए, तब जाके सब्जी या खाना अच्छा बनता है। उसी प्रकार जब जब तक हम सीखते नहीं है एक्टिंग क्या है, एक्टिंग भी एक प्रकार का ना, नमक है, मिर्च है, तो वह सब यहाँ पे सीखने को मुझे मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है 101% अगर ये क्लास ज्वाइन करते हो तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे मेरी तरह। बिल्कुल। तो थैंक यू सोनाली, आपने बहुत अपना एक्सपीरियंस अच्छा शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।